आपके साथ साक्षी मंगाई। उत्तराखंड राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी प्रमुख दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में जुटे हैं। चुनाव के बाद की स्थिति क्या रहेगी, यह तो समय बताएगा, लेकिन मौजूदा विधायकों के लिए भी अपनी सीट बचाना बड़ी चुनौती साबित होगी। विधायक जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, उनके दावों और वादों की क्या हकीकत रही, यह जानने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर स्थिति का जायजा ले रही है। आज हम बात करते हैं हरिद्वार जनपद के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से विधायक है कांग्रेस की ममता राकेश। इतिहास हरिद्वार जनपद की भगवानपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर लंबे समय तक बसपा का दबदबा रहा। हालांकि राज्य गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव 2002 में यहां पर भाजपा के चंद्रशेखर जीते। 2007 के चुनाव में बसपा के सुरेंद्र राकेश ने बाजी मारी। सुरेंद्र राकेश ने अपनी मजबूत पकड़ से कांग्रेस और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2012 में भी सुरेंद्र राकेश दूसरी बार चुनाव जीत गए। उन्होंने 2012 में अपने दो अन्य बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस की भोगड़ा सरकार को समर्थन दे दिया, जिससे सुरेंद्र राकेश की कैबिनेट मंत्री का पद मिला। सुरेंद्र राकेश का अचानक निधन होने से इस क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी पत्नी ममता राकेश को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। ममता उपचुनाव जीत गई। वर्ष 2017 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ममता दूसरी बार विधायक बनी। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता 1,20,879, पुरुष मतदाता 64,804, महिला मतदाता 56,083, अन्य 2। विकास के दावों की हकीकत, ममता राकेश ने क्षेत्र में विकास कार्य प्रमुखता से चलाने में बेहद सक्रियता दिखाई। भगवानपुर में मुख्य मार्ग के पास ही बस अड्डे का निर्माण कराकर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की कई वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा कराया। कोरोना काल में जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, ऐसे में भी ममता राकेश ने अपने समर्थकों के साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए कदम से कदम मिलाकर भरपूर प्रयास किया। राशन, ऑक्सीजन, दवाइयां, आयुष किट आदि वितरित कराए। साथ ही भगवानपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सहयोग से एक ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण कराया। क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का निर्माण, ड्रेनेज की समस्या के निराकरण के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से योजना स्वीकृत कराना और ट्रांसपोर्ट नगर को मंजूरी दिलाना भी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। क्षेत्र के अधिकतर गांवों में सड़कों का निर्माण कराने, पेयजल की व्यवस्था के लिए कई गांवों में हैंडपंप लगवाने सहित बिजली, पानी, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में अलग अलग तरह से सकारात्मक कार्य उन्होंने बड़ी संख्या में कराए हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, जल भराव गंभीर समस्या, गांव तक आवाजाही के लिए यातायात के समुचित संसाधन नहीं होना, घाट क्षेत्र से सटे कई गांवों में पेयजल की समस्या, अभी भी बहुत से गांवों में सड़कों की स्थिति अपेक्षाकृत उचित नहीं है। फाइलों से बाहर नहीं निकला मेडिकल कॉलेज, विधायक ममता राकेश के पति सुरेंद्र राकेश के मंत्री रहते हुए भगवानपुर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी कांग्रेस सरकार ने दी थी। उसके लिए जमीन भी अधिकृत कर बजट भी मंजूर कर दिया गया था, लेकिन काम शुरू हो पाता उससे पहले ही भाजपा की सरकार आ गई। इस सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की फाइल बंद ही पड़ी रही। विधायक समर्थकों का दावा है कि कई बार इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अस्पताल के ऊंचीकरण सहित विकास की कई योजनाएं बंद पड़ी हैं, जिन्हें धरातल पर उतरने का इंतजार है। हमारे विधानसभा का नाम है ममता राकेश। हम तो हैं उसके, लोग बोल रहे झूठ, वो करते हैं मुंह देख के बात। देखो पक्ष विपक्ष तो सब जगह, मान लो हम तो पक्ष के आदमी हैं, हमें जो है इसका पूरा विश्वास है पूरा होगा। देखो हम तो इसे ही दे देंगे और पहले से दे रहे, बाकी जो है कि कैंडिडेट के ऊपर बात है, कैसा कैंडिडेट आ रहा हमारे लिए।
नहीं, मोदी के समर्थन में बिल्कुल किया क्षेत्र को। बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा, ममता राकेश सर, जनसंपर्क कैसा है कि जनता के बीच में आती हैं, लोगों से मिलती हैं? ठीक है, जब भी यहाँ जाओ मिल के जाओ। ममता राकेश सर, जनसंपर्क कैसा है कि जनता के बीच में आती हैं, मिलती हैं लोगों से? सब ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल तक। वैसे जनसंपर्क तो ऐसा है, जनता के बीच तो आता है, लेकिन कार्य जो है कार्य नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये इन लोगों ने जो है धंधा बना लिया है। आम आदमी इतना परेशान है, ना तो रोजगार है यहाँ से, और पब्लिक जाके देखो कंपनी में जो है, कंपनी के बाहर जो बंदा जो बेरोजगार फिर रहे हैं, रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। यही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है रोजगार ठप हो चुका है। एक जमाने में बसपा के दबदबे वाली सीट पर अब कांग्रेस का वर्चस्व है। सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद उनकी पत्नी बेहद कुशलता से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुरेंद्र राकेश बेहद दबदबे वाले विधायक रहे हैं। राकेश के निधन के बाद उनका भाई सुबोध राकेश टिकट मांग रहा था, लेकिन कांग्रेस ने ममता राकेश को टिकट दिया तो सुबोध बगावत पर उतर आया। इसके बाद सुबोध ने भाजपा का दामन थाम दिया। इस सीट पर देवर भाभी की टक्कर में अभी तक भाभी जीतती रही है, जिसकी एक वजह सुरेंद्र राकेश की मजबूत सियासी विरासत है। ममता एक बार फिर 2022 के लिए तैयार है, और माना जा रहा है कि एक बार फिर देवर भाभी में टक्कर हो सकती है, जिससे मुकाबला बेहद रोचक रहेगा। भगवानपुर विधानसभा के जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक ममता राकेश का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन विकास कार्य बी, जनसंवाद बी, जन नेतृत्व बी, जन लोकप्रियता बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।